सिर्फ स्टार्टिंग 30 रुपये में आप सर्दियों में दिवाली छठ में कप लुक बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा लेयर बाय लेयर लगाए, सिर्फ 6 चीज़ों से, वो भी नॉर्मल चीज़ों से जो आपके घर में इजली मिल जाएंगे। जी हाँ, अब आपको किसी भी ज़्यादा महंगे हाई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ड्राई अजीब सा होगा, बिल्कुल सिंपल सोवर और बिल्कुल नेचुरल सा होगा। बट जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी, जो जो बताऊंगी उसी तरीके से आपको ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करना है, बहुत ही कम बजट में, बहुत ही आराम से, बिना मेकअप सीखे ये वाला मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इजी सा, काफ़ी प्रिटी सा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि बहुत इजी और सिंपल स्टेप हैं ये, आपको इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम फ्रूट क्रीम लगाएंगे थोड़ी सी क्वांटिटी बेस के लिए ध्यान में रखनी पड़ती है, थोड़ा सा लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप सोचो मेरा मेकअप ड्राई ना हो तो बहुत लेयर लगा लो, इससे आपका बेस और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद मैं ले रही हूँ मालिया का एलोवेरा जेल, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेना है और अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है, हल्का सा लाइटली, और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ठीक, इसके बाद हमारी स्किन केयर हो गई। अभी मैं ब्लू हेवन का फाउंडेशन ले रही हूँ। ये फाउंडेशन सिर्फ मुझे 90 रुपये में मिला था, काफ़ी अफोर्डेबल है, बजट में है और बिगनर्स के लिए बेस्ट है, और ये काफ़ी अच्छा है, बजट में है, बजट में चीज़ें ऐसी मिल जाए तो क्या कहना। और शेड मैं आपको बता दूं, जो मेरा शेड है वो क्रीमी बेस मेरा शेड है। तो फाउंडेशन लेके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से हम आई पर अप्लाई करेंगे, आई मेकअप के लिए जो हम फेस पे लगा रहे हैं ब्लू हेवन का वही वाला, बस इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा लेके अच्छे से इधर भी हम ब्लेंड कर लेंगे बस। अब हम NYV का कॉम्पैक्ट ले रहे हैं और इसी से सेट करेंगे अपनी आई को। ठीक है, हल्के हल्के से हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से बस। पर हम ले रहे हैं ब्लू हेवन का आई पैलेट, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसमें से मैं ये वाला शेड पिक करूंगी। थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा लेके हाफ में लगाना है आपको। स्टार्टिंग में लगेगा यार बहुत लाइट है, नहीं, थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट हो जाता है ना, तब वो चीज़ें अच्छे से उभर कर आती हैं और नेचुरल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको डार्क लगाना है तो आप डार्क शेड ले सकते हो, लेकिन डार्क करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मोटी परत मत बना दीजिएगा, जिससे आपका आई मेकअप बहुत पैची सा, गंदा सा दिखे। फिंगर की हेल्प से बहुत ही अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा। ठीक है, के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे पिंक शेड लेंगे, हल्का सा ये वाला साइड में टच देंगे। हमने वहाँ पे लाइट शेड पिक किया था, अब हम यहाँ पे लाइट शेड फिर से पिक करेंगे, पिंक हाफ में लगाएंगे। आप चाहो फुल में लगा सकते हो, या जैसे मैंने लगाया आप वैसे भी लगा सकते हो, काफ़ी सिंपल सोवर और नेचुरल दिखेगा। लास्ट में जब आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। हल्का हल्का सा लेके स्मच कर लीजिए, डार्क पिंक चाहिए तो डार्क पिंक अप्लाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो बस अभी हम लगाएंगे इस किस लाइनर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अधिकतर आपने मेरी मेकअप लुक में देखा होगा कि मैं स्किन लाइनर ज़्यादा ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है। थोड़ा सा लगाइए, बहुत इजी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होती है। अभी हम ले रहे हैं ब्लू हेवन का काजल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है, बजट में है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे, इससे आंखों की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि चाहे मोटा या पतला, बट काजल थोड़ा सा लगाइए ज़रूर। ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं एडीएस की एवरो पेंसिल, ये बहुत बजट में है, 30 रुपए की आराम से मिल जाती है, 20-30 रुपए की लोकल मार्केट में, आप चाहो तो फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, ये मेकअप में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है जो आपके फेस को ख़राब दिखा सकती है। बहुत ज़्यादा धसाकर बहुत मोटी आईब्रो मत कीजिएगा, जो देखने में आपके मेकअप को बिल्कुल गंदी कर दे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अभी हम ले रहे हैं ब्लू हेवन का फाउंडेशन, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल फाउंडेशन है, बजट में है और काफ़ी अच्छा है, 90 रुपए में मिल जाता है, और जो मेरा शेड है वो है क्रीम बेस्ड,
और अगर बजट में आप फाउंडेशन लाइट वेट ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉट डॉट करके आपको पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है सिर्फ एक बार में। अगर आपका फेस जो है ड्राई हो जाता है, केकी हो जाता है, तो बस एक बार में आपको फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करना है। एक ही जगह बार बार रफ नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, ज़्यादा स्मच नहीं करना है, सिर्फ अंदर की साइड में हल्के हल्के से पुश करना है ताकि आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाए और देखने में भी ठीक लगे, ड्राई पन पैची पन ना आए और देखने में बिल्कुल नेचुरल सा और शोवर सा दिखे। ठीक है, मैं ले रही हूँ पर्पल की लिपस्टिक और इसी को मैं चीक पर लगाऊंगी अपने। सारे लोगों के पास ब्लशर हाइलाइटर नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और ठंड के टाइम में मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ये जो है ना एक अलग सा पिंक सा नेचुरल सा ग्लो देता है। इसको भी हल्के हल्के से आपको ब्लेंड करना, और यकीन मानिए एक बार ट्राई करोगे ना तो आप सर्दियों में बार बार ये ट्राई करोगे, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब हाइलाइटर की जगह अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप क्या करिएगा, ब्लू हेवन का ये व्हाइट वाला लूंगी और इसी से हाइलाइटिंग करूंगी। ये शीट पिक करके लगाऊंगी ताकि ऐसा हाइलाइटर लगे। अगर आप चाहते हो तो ये दो स्टेप स्किप भी कर सकते हो। ले हूँ पर्पल की लिपस्टिक और शेड में आपको बता दूं, मेरा है शेड मेरा है 2। बस ये शेड काफ़ी प्यारा शेड है, लगने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। पहले मैंने सोचा था कि मैं पिंक शेड लगाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा आज मैं ये वाला शेड लगाऊंगी ताकि देखने में अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे हमने पहन ली सिंपल ज्वेलरी, लहंगा। लहंगा हॉल वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये वाला लहंगा मैंने कहाँ से लिया, इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, नीचे आप स्लाइड करके देखोगे ना तो एक दो वीडियो के नीचे ही आपको दिख जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फुल सीक्वेंस जॉर्जेट का लहंगा है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा मेकअप, एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत इजी सा प्रिटी सा मेकअप लुक है। इस मेकअप को आप अभी शादी भी आ रही है तो वहाँ भी कर सकते हो, दिवाली है वहाँ भी करोगे तो बहुत सुंदर दिखोगे, छठ पूजा आ रही है आप उसमें भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी होना चाहते हो तो आप ये वाला मेकअप लोग दिन में भी करोगे ना तो काफ़ी खूबसूरत दिखोगे। ज्वेलरी ड्रेस चीज़ें आप अपने हिसाब से पहन सकते हो। पहले मैंने आपको थोड़ा सा नीचे जुड़ा बनाकर दिखाया, अभी मैं थोड़ा सा हाई जुड़ा बनाई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब आप सर पे पल्लू रखो ना तो हाई जुड़ा बनाओ, इससे आपका जो फेस का लुक है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है और पल्लू का लुक जो है ना बहुत अच्छा आता है, बॉर्डर का लुक समझ में आता है। तो जब भी मैं सर पे पल्लू नहीं रखी थी तो मैंने नीचे जुड़ा बनाया था, अभी देखिए मैंने थोड़ा सा हाई जुड़ा बनाया है और सर पे पल्लू रखने पे पफ भी अच्छा सा दिख रहा है और जो मेरे क्या दुपट्टे का बॉर्डर है लहंगे का वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है और कंफर्टेबल भी रहता है। आप पिन अप भी कर सकते हो, इसलिए आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। वो कैसा लगा मेरा मेकअप लुक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कोई भी कमी लगी हो तो सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।